गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव रेड टिल द लेटर ऑफ बेलेरियो, लेटर सेंट बाय बेलेरियो अबाउट पोर्शिया दैट इज डिस्गाइज्ड एज अ बाल्थेजर, एज अ लॉ पर्सन. एंड टुडे वी विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट द एंट्री ऑफ पोर्शिया दैट इज ड्रेस्ड लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉस. ओके, सो इन द लास्ट क्लास द लाइन्स आर क्लियर टू यू आई गेस, एज ए नो बडी आस्क फॉर एनी डाउट टू मी, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. टुडे वी विल कंटिन्यू. So enter Portia. Portia enter at the court who is dressed like a doctor of laws. Okay. You hear the learned Bellario, what he writes, and here I take it is the doctor come. Give me your hand. Come you from old Bellario. Okay. सो इसमें लिखा है कि ये ड्यूक की लाइन्स है कि तुमने सुना कि मैंने क्या पढ़ा, Bellario ने क्या लिखा है पोर्शिया के बारे में, मतलब बाल्थेजर के बारे में, और ये आ जाते हैं डॉक्टर. डॉक्टर मतलब डॉक्टर ऑफ लॉस, ये वकील. गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलेरियो, क्या आप बेलेरियो से, क्या आपको बेलेरियो ने भेजा है. लेट्स शेक हैंड्स. ओके, पोर्शिया बोलती है आई डिड माय लॉर्ड, वो बोलते हैं यस मेरे को बेलेरियो ने भेजा है. ड्यू यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस. आर यू एक्वेंटेड विद द डिफरेंस दैट होल्ड्स दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट. वो ड्यू बोलता है यू आर वेलकम, अपनी प्लेस ले लो. और क्या आपको पता है कि इस कोर्ट में हम लोग किस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, द डिफरेंसेस बिटवीन एंटोनियो एंड शाइलोक. पोर्शिया बोलती है आई एम इन्फॉर्म्ड थॉरली ऑफ द कॉज, मेरे को बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है कि क्या केस है, बस मेरे को ये बताइए हु इज़ द मर्चेंट एंड हु इज़ द ज्यू. ड्यूक बोलता है एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलोक बोथ स्टैंड फोर्थ, उन लोगों को बोलता है कि दोनों सामने आओ और मतलब थोड़ा सा सामने आके खड़े हो जाओ जिससे पोर्शिया को पहचानने में आसानी हो. पोर्शिया पूछती है शाइलोक से इज़ योर नेम शाइलोक, तो शाइलोक बोलता है शाइलोक इज़ माई नेम. पोर्शिया Of a strange nature is the suit you follow, yet in such rule that the Venetian law cannot impugn you. As you do proceed, you stand within his danger, do you not? तो वो बोलता है कि पहले तो वो शाइलोक से बोलती कि बहुत अजीब सी कंडीशन है आपकी, बहुत अजीब सी डिमांड है, और ये भी बहुत अजीब बात है कि वेनेशियन कोर्ट जो कि इतना स्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भी तुम्हारी इस इलीगल और अजीब सी डिमांड को काट नहीं सकता क्योंकि ये तुमने बॉन्ड में लिखवा रखी है. ठीक है, और फिर एंटोनियो से पूछती है कि तुम ही हो ना जो डेंजर में खड़े हो, जिसकी लाइफ डेंजर में है और जिसको ज्यू के हिसाब से चलना है. तो एंटोनियो बोलता है ए सो ही यस, वो बोलता है यस दैट इज़ द ज्यूस क्लेम, और ये ज्यू का क्लेम है. ठीक है, उसने क्लेम किया है कि उसको चाहिए, तो अब मैं ही हूँ जिसको वो पाउंड ऑफ फ्लैश देना पड़ेगा. पोर्शिया बोलती है डू यू कन्फेस द बॉन्ड, वो बोलती है कि क्या तुम ये मानते हो कि तुमने बॉन्ड पर सिग्नेचर किया था. एंटोनियो बोलता है आई डू. पोर्शिया बोलती है देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, तो बोलती है पोर्शिया कि अब ज्यू को मर्सीफुल होना ही चाहिए. शाइलोक बोलता है ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई टेल मी व्हाट, क्या बोलता है कि ये मेरे लिए क्या कंपल्सरी है मर्सीफुल होना, जिसको देखो मेरे को मर्सीफुल होने के लिए बोल रहा है. अब पोर्शिया का बहुत अच्छा ये मोनोलॉग है, इसमें बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं, इसको अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो कि पोर्शिया कैसे उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है उसको एक किंग से कंपेयर करके. ठीक है, अब पोर्शिया बोलती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, ये कोई ज़बरदस्ती की क्वालिटी नहीं होती, जो मर्सी होती है ना वो अपने अंदर से आती है, कि कोई ज़बरदस्ती कंपल्सरी आपको मर्सी दिखानी है तो आपको दिखानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, वो कैसी होती है, इट ड्रॉपथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे जेंटल रेन हेवन से गिरती है वैसे ही मर्सी होती है. अपॉन द प्लेस बेनिथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये ट्वाइस ब्लेस्ड है, मतलब ये जो ब्लेसिंग है ना ये दो तरह की ब्लेसिंग होती है, मतलब मर्सी किसी को आप मर्सी दिखाओ तो इसका डबल फायदा होता है. डबल फायदा कैसे होता है कि जब आप किसी को मर्सी दिखाते हो तो जिस पे आप मर्सी दिखा रहे हो उसको तो फायदा हो ही रहा है,
ठीक है, कि आप उस पर मर्सी दिखा रहे हो, और गॉड भी आपसे खुश होकर आप पे मर्सी दिखाएगा क्योंकि आपने दूसरे पे मर्सी दिखाई। तो इसमें डबल फायदा हुआ, सामने वाले का भी फायदा और आपका भी फायदा। इट ब्लेसेड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, जो देता है उसको भी फायदा और जो लेता है उसको भी फायदा। इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, इट बिकम द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्रोन। और ये वो अब किंग से कंपेयर करती है कि एक जो मर्सी जो होती है वो सबसे पावरफुल फीलिंग होती है। ये माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट जो हो रहा है ना, ये फीलिंग के लिए बोला जा रहा है। जो मर्सी जो एक फीलिंग है वो माइटीएस्ट देन दी माइटीएस्ट है। माइटीएस्ट इन दी माइटीएस्ट मतलब सबसे पावरफुल फीलिंग है वो। और इट इज़ द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, और जो राजा होता है ना, जो थ्रोन पे बैठा होता है, उसको उसका क्राउन भी इतना सूट नहीं करता जितना कि उसको मर्सी सूट करती है। ओके, नेक्स्ट इज हिज स्केप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर द एट्रीब्यूट टू ओ एंड मेजेस्टी। स्केप्चर जो है ना वो उसको बोला जा रहा है, जो गोल्डन रॉड होता है ना एक राजा के हाथ में, वो उसकी टेम्पोरल पावर, उसकी वर्ल्डली अथॉरिटी जो होती है ना, वर्ल्डली पावर, पूरी दुनिया पे राज करने का पावर, वो उसका शो करता है। द एट्रीब्यूट टू ओ एंड मेजेस्टी, उससे उसका जो वर्ल्डली पावर, उसका सिम्बल ऑफ फियर, सिम्बल ऑफ किंगशिप उसकी दिखती है। ठीक है, बट मर्सी इज अबव दिस स्पेक्टर्ड स्वे, और लेकिन मर्सी जो है ना वो इस पावर से भी ऊपर होती है। इस क्योंकि मर्सी जो उसका पावर रहता है ना वो उसके क्राउन में रहता है, उसके सिर पर रहता है, लेकिन जो मर्सी है ना वो उसके हार्ट में रहती है। इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स। ठीक है, इट इज द एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, मतलब कि आप किसी को मर्सी दिखाते हो ना तो आप गॉड को ये कर रहे हो। इट इज द क्वालिटी ऑफ गॉड, मतलब एक खुद ही आप एक भगवान बन जाते हो किसी के लिए। ठीक है, एंड अर्थली पावर डॉट द शो देन शो लाइक्स गॉड, मतलब जो ये तो धरती का पावर है, जो वर्ल्डली पावर है वो अर्थली पावर है। ठीक है, और लेकिन ये जो डिवाइन क्वालिटी है जो आप में है मर्सी की, वो आपको गॉड बना देती है धरती पर ही। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस देयर फॉर यू डॉट जस्टिस बाय दाई प्ली कंसिडर दिस। अब वो बोलती है कि यू हैव टेकन योर स्टैंड ऑन जस्टिस, बट यू मस्ट कंसिडर दैट इफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस वेयर टू बी रिजिडली एनफोर्स्ड, नन ऑफ अस वुड रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। वो बोलती है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो जस्टिस बाय द प्ली कंसिडर दिस दैट इज द कोर्स ऑफ जस्टिस, नन ऑफ अस शुड सी सेल्वेशन, वी डू प्रे फॉर मर्सी। वो बोलती है कि हम लोग, अगर तुम ऐसा सोचोगे कि हम जस्टिस क्यों दिखाएं, हम मर्सी क्यों दिखाएं, तो अगर ऐसे पूरी दुनिया ऐसे ही सोचने लगेगी, जैसे हम लोग बोलते हैं आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, अगर तुम आँख के बदले आँख ही दोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, तुम सोचोगे कि मैं मर्सी क्यों दिखाऊँ, तो ऐसे अगर सब लोग सोचने लगे तो हम लोगों को किसी को भी ना हम लोग एक दूसरे को मर्सी दिखा पाएंगे, ना गॉड से हम लोग मर्सी ले पाएंगे। एंड दैट सेम प्रेयर डॉट टीच अस ऑल टू रेंडर द डीड्स ऑफ मर्सी, और यही है एक मर्सी का साइकिल जो हम लोगों को एक दूसरे को सिखाना चाहिए, प्रे करना चाहिए। ठीक है, आई हैव स्पोक दिस मच टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ दाई प्ली विच इज दाउ फॉलो दिस स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट देयर। अब वो बोलती है कि हम इतना कुछ बोले हैं टू डिमिनिश द फोर्स ऑफ योर डिमांड फॉर स्ट्रिक्ट जस्टिस, कि तुम्हारी जो फोर्स है ना, तुम्हारी जो ये डिमांड है स्ट्रिक्ट जस्टिस की, वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम अगर इंसिस्ट करोगे तो ये जो स्ट्रिक्ट वेनिस कोर्ट है इसको कोई ऑल्टरनेटिव तो देखना ही पड़ेगा और जजमेंट देनी ही पड़ेगी इस बेचारे मर्चेंट के अगेंस्ट में। ओके, सो वी विल कीप टिल हियर फॉर टुडे। आई होप दिस डायलॉग इज क्लियर टू यू, बट स्टिल इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू और इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी लाइन यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू।